ग्राम पंचायत री के तहत आने वाले डडवाल गांव के बाशिंदे पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कोई पेयजल स्कीम न होने से गांव वासी एकमात्र बावड़ी पर निर्भर है, जो भी गर्मियों में सूख जाती है। ग्रामीणों के अनुसार सरकार द्वारा चलाई जा रही जल जीवन मिशन योजना भी उनके लिए सफेद हाथी नजर आ रही है। इसी कारण कोई स्कीम न होने से हर घर नल से जल के दावे भी दम तोड़ रहे हैं। ग्रामीण कहते हैं कि उनकी इस समस्या को कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने जयराम सरकार से मांग की है कि उनको भी जल सुविधा से जोड़ा जाए, ताकि प्रदेश में बह रही विकास की धारा में वो भी शामिल हो सके। इस संबंध में आईपीएच विभाग के एसडीओ ने बताया कि डडवाल गांव की पानी समस्या के लिए एस्टीमेट बनाकर भेज दिया गया है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई पुकार ही नहीं है, ना कोई आईपीएच की कोई लाइन है। हमारे रामलाल ठाकुर जी भी आगे चल गए, रणधीर शर्मा भी आगे चल गए, क्योंकि हमारे गांव को ऐसा किया हुआ भी चमारों का गांव है यार, क्या पानी इनको, ठीक है कि नहीं। और इतने सालों से हमारे को कोई पानी नहीं है सरकारी स्कीम, बल्कि हमने 100-100 रुपये जमा कराया हुआ, 100 अरगाटक पर्ची दी हमारे को, बोला जी आपके नलके लगेंगे। जब बोले गए हम पूछने भाई जनाब किसी के से नलके ला दो, भाई हमारे पास भाई अब बजट ही नहीं है, पाइपें खत्म हो गई, अब बताओ कि हम कहाँ जाएंगे। हमारा कोई फायदा नहीं है इस बॉडी के ऊपर, जितना मर्जी कट कर ले, ये सरकार ने ऐसा किया हुआ कि दलित है इनको क्या पानी, कोई सुनवाई नहीं है। राधा देवी जी मैडम जी, पानी नहीं आता जी, कोई सरकारी स्कीम जो कोई नहीं आई। अच्छा, कहाँ से? बॉडी से है जी, इसे भी गड़बू नाल भरना। अच्छा, अगर बॉडी सूख जाए फिर तो बड़ा मुश्किल है। हाँ जी, ये क्या करना, मूल्य पवा लेने और क्या करना, सरकार पानी दें। हमारे गांव में पानी की समस्या 3-4 साल से है, क्योंकि हमारे गांव में कोई सरकारी लाइन नहीं है। 15-20 साल और जितने जब से बीजेपी सरकार आई है, हमने कभी भी अल्टीमेट दिया है कि हर गांव, हर घर में नलके की वो जो प्रधानमंत्री स्कीम चलाई है उसके तहत हमारे गांव में अभी तक एक भी नलका नहीं लगा है। बार बार 1100 नंबर पे कंप्लेंट की, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। इनको रिटर्न में दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, और हमने पैसे भी दिए, पर्ची भी कटवाई है, तो हमारे गाँव में आज तक कोई पानी नहीं आया जी। हमने काफ़ी बार रिक्वेस्ट की डिपार्टमेंट एक्शन आईपीएस सबसे बोला है कि हमारे गांव में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, कि हमारे गांव के लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। आज जो जल मिशन चलाया है, जो डे बना रहे हैं, ये हमारे लिए तो काला दिन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पानी की वजह से एक तो ऊपर से गर्मियाँ हैं, लोग माल पशु नहीं रख सकते क्योंकि पानी नहीं है, पानी कहाँ से लेके आएंगे, 2-2 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बोला था कि हर घर को नलका मिलेगा, पर हमें तो नहीं लगता कि हर घर को नलका मिलेगा, क्योंकि जब एक गांव छोड़ दिया उन्होंने पूरे हिमाचल में, समझ नहीं आता कि ये हम आशा पार्सलिटी करते हैं। ये तो सरकार को देखना चाहिए, जयराम ठाकुर जी को जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, कि जो उन्होंने वादा किया है कि हर घर को नलका मिलेगा 2022 तक, बाई भी आधा निकल चुका है। मेरी सरकार से यही मांग है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और हमारे गाँव को पानी मिलना चाहिए। बिलासपुर से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट।